टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत हमारे शो में, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक है लक्ष्मण जी, थैंक यू सो मच। तो मुकेश पटेल साहब खास तौर से ऐसे लोगों के लिए एक टिप्स लेकर आए हैं जो शेयर बाजार से भी कमाई करते हैं, कई बार प्रॉपर्टी बेच कर भी कमाते हैं या फिर गोल्ड बेच कर भी कमाते हैं। तो इस शो में बता दूं क्या कुछ खास रहने वाला है। कैपिटल गेन से होने वाली कमाई के बाद भी क्या 7 लाख तक की आमदनी पर नहीं देना होगा टैक्स? 30 जून तक करिए इनकम टैक्स के नोटिस का इंतजार। और लीव एनकैशमेंट पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी और क्या है सरकार का नया नियम, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन मुकेश पटेल साहब, सबसे पहला मुद्दा वो है जिसका ऐलान किया गया था बजट में भी कि 7 लाख तक की आमदनी आपकी है तो इस पर कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो लोगों ने यह मान बैठा कि सभी तरह की आमदनी इस प्रावधान के तहत आती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 7 लाख तक की आमदनी जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्या उसमें सिर्फ सैलरी की आमदनी, रेंट की आमदनी शामिल है या ब्याज की आमदनी शामिल है, या फिर जो कैपिटल गेन से आमदनी होती है वो भी इसमें शामिल है? अगर शामिल नहीं है तो मुझे ये बताइए कि इक्विटी से अगर कैपिटल गेन्स का होता है तो ये 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा, ये नियम कहाँ तक प्रभावी है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बहुत मुद्दे का सवाल खड़ा किया है और सही समय पे किया है, क्योंकि अभी 1 अप्रैल से ये नए प्रोविजंस आए हैं। अब जब हम मोटे तौर पे ये कहते रहे कि भाई 7 लाख की आमदनी पर 0 टैक्स होगा, तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये आमदनी में कैपिटल गेन्स का कोई समावेश नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये पूरा फायदा मिलेगा। क्योंकि जो सेक्शन 87 कैपिटल ए में 25,000 का रिबेट है, वो 7 लाख की नॉर्मल इनकम के जो टैक्स रेट्स हैं उसी पर आपको ये 25,000 का रिबेट का पूरा फायदा मिलते हुए 0 टैक्स होता है। लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि इक्विटी का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन होता है किसी को मार्केट से, जिसके लिए रेट है, लॉन्ग टर्म के लिए रेट है 10%, शॉर्ट टर्म के लिए रेट है 15%। अब एक हम छोटा सा चार्ट हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम के साथ दिखा रहे हैं, जिससे उनको सहूलियत से पता भी चले हम क्या समझा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की 7 लाख तक की इनकम है, तो 7 लाख में से जो 3 लाख तो हमारा बेसिक एग्जम्पशन है अब नए टैक्स रिजीम में 115 BAC में, तो रह गए लॉन्ग टर्म में 4 लाख। उसमें 112A में 1 लाख का लॉन्ग टर्म का एक विशेष एग्जम्पशन है, तो रह गए टैक्सेबल 3 लाख। अब 3 लाख पर 10% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 30,000। पर ये ख्याल रखना है 112A में क्लियरली लिखा गया है कि आपको 87A का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। इसलिए मान लीजिए आपकी 7 लाख की पूरी LTCG इक्विटी की इनकम है, तो आपका टैक्स रहेगा 30,000 जैसे हमने चार्ट में दिखाया है। अब आपका शॉर्ट टर्म मान लीजिए, ये 7 लाख पूरा शॉर्ट टर्म है, तो उसमें से 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन काटते हुए रह गए 4 लाख, और 4 लाख पर 15% के हिसाब से आपके रहे 60,000। अब 60,000 में से इसमें 111A में आपको रिबेट का फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए ये आपके जो हमारे 60,000 जो रहे 4 लाख पर 15% के हिसाब से, उसमें से 25,000 का रिबेट आप डिडक्ट करेंगे, क्योंकि 7 लाख से आपकी आय कम है, तो आपका टैक्स भरने का रहेगा 35,000। तो LTCG के केस में 30,000, STCG में 35,000, ये आपके लिए सही जवाब है लक्ष्मी। तो मोटे तौर पे जो मैं समझ पाया वो ये है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आपकी आमदनी सैलरी, ब्याज या रेंट से हो रही है तो। अगर आपकी आमदनी
7 लाख तक की है, लेकिन उसमें अगर इक्विटी मार्केट से होने वाली कमाई है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स हो, तो वो 7 लाख पे जो छूट मिलती, तो वो छूट तो नहीं मिलेगी। जो छूट आपने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस का, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, खासतौर से वो लोग जो शेयर बाजार से कमाई करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। एक और सवाल मेरे मन में ये उठा कि ये तो रही बात इक्विटी से, कई बार कैपिटल गेंस टैक्स की, कैपिटल गेंस की कमाई जो होती है वो इक्विटी के अलावा भी होती है, प्रॉपर्टी बेच करके होती है, गोल्ड बेच करके होती है, तो वैसे मामलों में क्या नियम है? वहां आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट केवल नहीं मिलेगा वो LTCG इक्विटी का, जैसे STCG इक्विटी में भी रिबेट मिल सकता है 25,000 का। आपका ये जो 20% है ये भी हमने ये चार्ट में दिखाया है। मान लीजिए 7 लाख का आपका गोल्ड या प्रॉपर्टी से गेन है, 7 लाख तक के अंदर का, तभी आपको ये 25,000 का फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब उस पर 3 लाख का हम डिडक्शन करने के बाद 4 लाख पर 20% करेंगे तो 80,000 टैक्स होता है। उसमें से 25,087 ए का रिबेट गिनते हुए आपका टैक्स की जिम्मेवारी बाकी रहेगी 55,000, 55,000। तो ये तीनों सिचुएशंस में हमने क्या सिचुएशन उभरती है और क्या नियम है, लक्ष्मण जी हमारे दर्शकों को ठीक ठाक समझाया है, आई होप दे विल अप्रिशिएट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आम तौर पे छुपी हुई थी इनकम टैक्स के नियमों में या फिर इनकम टैक्स के किताबों में, जो दर्शक नहीं समझ पा रहे थे कि 7 लाख तक की आमदनी आपकी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, मोटे तौर पर मान लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें कुछ फाइन प्रिंट्स है, वो फाइन प्रिंट्स है कैपिटल गेंस टैक्स वो इक्विटी से हो रही हो या फिर दूसरे प्रॉपर्टी बेच के या फिर गोल्ड बेचकर हो, इसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद, ध्रुमिल दवे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दवे साहब नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मैंने आपका सवाल सबसे पहले ले लिया क्योंकि हमारे जो टैक्स गुरु हैं आज के शो के वो भी अहमदाबाद से ही हैं। बताइए क्या सवाल है। बढ़िया सर। हाँ सर, तो सबसे पहले तो सर मैं टैक्स गुरु प्रोग्राम और श्री मुकेश पटेल जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा सवाल लीव एनकैशमेंट का जो एग्जम्पशन था उसके रिलेटेड है, और लास्ट में मुकेश सर ने और आपने एक आवाज उठाई थी कि भाई जो उसका नोटिफिकेशन हो वो जल्दी से जल्द जारी हो जाए तो हमें बेनिफिट मिले, तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मुकेश पटेल सर को और CNBC आवाज के टाइटल गुरु प्रोग्राम को सर। और मेरा सवाल ये है सर कि जो ये लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन है वो सिर्फ रिटायरमेंट होने के वक्त ही मिलता है, या अगर मैं नौकरी करता हूँ और उसको जब मैं उसपे इस्तीफा देता हूँ तो मेरे पुराने एम्प्लॉयर से जो मुझे रकम मिलती है उससे भी ये लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन मिलता है सर क्या? हेलो जी, आपके 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 सवाल हम लोगों ने सुन लिया। मुकेश जी आपके सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो हम दवे जी का शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने हमारी ये बात सराही। लक्ष्मण जी आपको याद होगा हमारे जिस लास्ट प्रोग्राम मई के शुरू में मैं और आप हम जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये बड़े ज़ोर से शिकायत की थी और आपने और हमने ये आवाज़ उठाई थी कि ये नोटिफिकेशन जो है 3 लाख का एग्जम्पशन को बढ़ा के लीव एनकैशमेंट का जो 25 लाख करने में जो विलंब हो रहा था उसको जल्द से जल्द ये दुविधा जो है जो नोटिफिकेशन आ गया इसको दूर किया जाए। तो ये 25 लाख का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो गया है, दैट इज द फर्स्ट गुड न्यूज। अब इन्होंने जो एक सवाल खड़ा किया है वो बहुत ही रोचक है। एक्चुअली ऐसा ही सवाल कई सालों पहले, क्योंकि ये जो सेक्शन है 10-10AA लीव एनकैशमेंट के एग्जम्पशन की, उसमें वर्ड्स यूज्ड आर कि भाई लीव एनकैशमेंट आपको मिलता है ऑन सुपर एन्यूएशन और अदरवाइज। अब सुपर एन्यूएशन का मतलब तो हम समझते हैं रिटायरमेंट, पर अदरवाइज में मान लीजिए जैसे इन्होंने बताया कि किसी ने 10 साल की नौकरी की और वो जब वो अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हैं तो जो लीव एनकैशमेंट का पैसा उनको मिलता है उसका एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं,
क्योंकि वो 58 या 60 साल की अभी उम्र नहीं हुई है, ही इज गोइंग टू टेक अनदर जॉब, और भी उनको लीव एनकैशमेंट फ्यूचर में मिलेगी। तो बंबई और मद्रास हाई कोर्ट के बहुत यूजफुल डिसीजंस हैं, इनको हम बताएं, जहां ये कहा गया है कि लीव एनकैशमेंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड ओनली ऑन रिटायरमेंट बट इवन व्हेन यू आर टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस। इसमें खाली एक ही नियम आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे ये 25 लाख की लिमिट है, आज आप कहीं से रिजाइन होते हैं आपको 15 लाख मिलते हैं, तो और जो नौकरी करेंगे उसमें आपका कोटा बच जाएगा केवल 10 लाख का, क्योंकि ये 25 लाख आपको पूरी जिंदगी में मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो द्रुमिल दवे जी के लिए अच्छी खबर है कि आप अगर रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ के भी करते हैं, लिव इनकैशमेंट मिलता है आपको, तो आप उस टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि मान लिया जाए अभी आपको 15 मिल रहा है तो आप बाकी दिनों में 10 का उठा सकते हैं, अगर अभी ही 25 मिल गया आपको तो फिर आगे के लिव इनकैशमेंट का फायदा नहीं उठा सकते। दर्शकों को एक लाइन बता दूं कि आखिर मामला क्या था, कि दरअसल जब भी जो छुट्टियां आपकी बची रह जाती हैं और जब आप रिटायर करते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, तो उन छुट्टियों को एनकैश करते हैं, यानी उन छुट्टियों के एवज में कंपनी आपको सैलरी दे, पैसे देती है। अब पहले नियम यह था कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो किसी भी सीमा तक आप उस पैसे पर आपको टैक्स छूट मिलती थी। अब यह है निजी कर्मचारी के लिए सीमा सिर्फ 3 लाख थी। सरकार ने ऐलान किया था कि निजी कर्मचारी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए 3 लाख से बढ़ाकर सीमा को 25 लाख किया जाता है, यानी 25 लाख तक के लिव एनकैशमेंट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 अप्रैल से इसे माना जाएगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर अब तक आपने कहीं लिव एनकैशमेंट कर लिया है तब भी आप इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। मुकेश पटेल जी, मैं सही बताया? बिल्कुल सही बताया लक्ष्मण। चलिए अगला सवाल लेते हैं फरीदाबाद से। सीताराम ठाकुर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीताराम जी नमस्कार। सर नमस्कार लक्ष्मण जी, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया, और CNBC आवाज हमारे देश के लिए फाइनेंशियल नॉलेज का एक बहुत बड़ा सेंटर है, और मैं कई सालों से आपके इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत कुछ सीखा है मैंने इस चैनल से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ जी। मेरा क्वेश्चन है नोटिस पीरियड से रिलेटेड है। मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपना जॉब चेंज किया है, तो नोटिस पीरियड था मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीने का, जिसमें से मैंने 1 महीना नोटिस पीरियड सर्व किया और 2 महीने का मैंने पे किया है, ठीक है। और मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर ने वो जो मेरा नोटिस पीरियड सारा सेटलमेंट के टाइम जो हिसाब दिया मेरे को, वो टैक्स काटने के बाद अपना नोटिस रिकवरी कर लिया है, और फिर वो जो नोटिस मेरा वहां डिडक्ट हुआ है उसको मैंने जो मेरा करंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर मैंने उसको क्लेम किया है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो टैक्स है वो दोनों जगह कट गया है, यानी कि जो मेरा पिछला एम्प्लॉयर है उन्होंने भी मेरा टैक्स काटा उस अमाउंट पे, और फिर जहां मैंने अभी मेरा करंट एम्प्लॉयर है वहां उन्होंने भी मेरे को टैक्स काटने के बाद वो मेरे क्लेम सेटल किया है, ठीक है। सीधा अब मैं बताइए सवाल क्या, पहले ये बताइए। तो मैं अभी जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वो जो पैसा है वो तो मुझे पिछले एम्प्लॉयर ने तो दिया नहीं, एक्चुअल में वो मैंने जो मेरा करंट एम्प्लॉयर है वहां से लिया, लेकिन टैक्स मैंने 2 जगह भर दिया। तो मैं अब उसको कैसे मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ ITR के थ्रू, या और मुकेश पटेल जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि आपने जो 2 महीने सैलरी वहां पर डिडक्ट करवा दी पुराने एम्प्लॉयर के पास, नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, तो क्या उस 2 महीने के दौरान आपने नए एम्प्लॉयर के पास जॉब शुरू कर दिया था आपने? हाँ हाँ, नहीं वो वहाँ जो मैंने अपना जब रेजिग्नेशन दिया था उस रेजिग्नेशन में मैंने क्लियर लिखा था कि मैं 3 महीने की बजाय 1 महीने आपका नोटिस सर्व करूंगा। नहीं नहीं, वो समझ गया मैं। दो महीने जो बाकी के 2 महीने, तो उस 2 महीने के दौरान आपने कहीं काम किया था दूसरे एम्प्लॉयर, काम किया, ठीक है। मुकेश पटेल जी क्या कहेंगे इनके लिए, बड़ा पेचीदा सवाल है, बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत सारे कर्मचारियों के लिए सवाल पैदा होता है। पेचीदा सवाल है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि वो टैक्स गुरु रेगुलर देखते रहे हैं और उनको फायदा हुआ है कई बार, आज हम उनको एक और फायदा कराते हैं लक्ष्मण जी। बिल्कुल, उनके लिए खुशखबर, भले सवाल पेचीदा जरूर है पर उसका एक उत्तर, और मैं जो बता रहा हूँ वो विथ सपोर्टेड बाय एन इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन। अब जैसे इनके केस में सवाल है,
कि उनको सैलरी तो केवल 12 महीने की मिली है लेकिन उनका टैक्स कटा है 14 महीने, क्योंकि वो 2 महीने का जो नोटिस पीरियड है वो उनके हाथ में नहीं आया, एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा। अब उनका जैसे सवाल है कि मैं क्या ये रिफंड मांग सकता हूं और मैं मुझे 12 महीने की सैलरी दिखानी होगी या 14 महीने। अब ऐसा ही सवाल हमारी अहमदाबाद बेंच 2017 में एक डिसीशन खड़ा हुआ था नंदिन हो रेबेलो के केस में, ये आप जरा नोट कर लीजिएगा, गूगल पर भी जाएंगे तो आपको ये डिसीशन मिलेगा। केवल एकमात्र एक डिसीशन है पर ये बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जब टैक्स पेयर को एम्प्लॉई को 2 महीने की सैलरी मिली ही नहीं है तो रियल इनकम थियरी पर इस पर टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा, क्योंकि टैक्स पेयर ने क्या किया था कि 14 महीने की इनकम दिखा के उसमें से 2 महीने की जो सैलरी थी वो जो नहीं मिली थी उसको रिड्यूस करके नेट 12 महीने की इनकम दिखा के उन्होंने जो 14 महीने का टीडीएस कटा था वो दिखा के उसकी क्रेडिट मांगते हुए रिफंड मांगा था और ट्रिब्यूनल ने एम्प्लॉय की फेवर में डिसीजन देते हुए उसको रिफंड भी दिया। ये हो सकता है सीताराम जी कि आपको शायद अपील में जाना पड़े अगर ये आपका व्यू एक्सेप्ट नहीं होता है तो, पर आपके लिए एक कानूनी आधार है, उसके आधार से आप अपने आईटीआर में ये जरूर क्लेम करिए, ये हमारी आपको एडवाइस रहेगी।